प्यारे आपके समान कोई सुंदर नहीं हो सकता दुनिया में। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, आप जैसे सुंदर तो आप ही हो सकते हो। मैं कहा करता हूं हरि से नैन मिलाकर देखो, अरे ये धोखा भी खाकर देखो, सबसे सुंदर बांके विहारी तुम जरा वृंदावन जाकर देखो ना। मेरे बांके विहारी से ज्यादा प्यारा और कौन हो सकता है, सबसे सुंदर बांके विहारी। हमारे वृंदावन में यमुना जी के किनारे एक शायर खड़ा हुआ था, कोई कवि यमुना जी का दर्शन करके, अब कवियों को तो कविता करने की या कुछ ना कुछ बनाने की आदत होती है। शाम के वक्त उसने यमुना जी को देखा तो यमुना बड़ी प्यारी लग रही थी। आकाश का प्रतिबिंब यमुना में पड़ता था और यमुना की धारा एकदम नीली लगती थी। तो उस यमुना का दर्शन करके उस कवि के अंदर कुछ भाव आए और वो गाने लगा कि देख यमुना की नील धारा, मानो नीलम पिघल गया। उसको लगा कि आज यमुना तो ऐसी लग रही है मानो यमुना में कोई नीलम पिघल गया हो, इतनी सुंदर लग रही है। वहां पास में कोई ब्रजवासी खड़ा था, उसने जब ये बात सुनी तो आकर पूछा कि भैया तुम कुछ गा रहे थे अभी, थोड़ा फिर से गाना क्या बोले। उसने फिर कहा कि देख यमुना की नील धारा, मानो नीलम पिघल गया। तो ब्रजवासी बोला कि अरे पागल, तुझे ये नीलम दिखाई देता है, ऐसा क्यों नहीं गाता कि मेरा श्याम सुंदर नहा के निकल गया, नहा के निकल गया, नहा के निकल गया। तुझे मालूम है यमुना क्यों नीली हो गई है? कोई नीलम नहीं पिघला, जब से बांके विहारी यमुना में नहा के निकले हैं तब से यमुना जी भी नीली हो गई है। क्योंकि तमाल वर्ण, तमाल वर्ण है ना उनका, जैसे तमाल का पेड़ होता है ऐसे ही वो भी सांवरे हैं, बड़े सुंदर हैं। हमारे ब्रज के संतों ने गाया है, बांके बिहारी को ये बात कही है कि हे मेरे प्यारे, ब्रज धूर ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो, और रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल सोना को बचाए 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 रहो। नित बाकी झांकी निहारा करूं, छवि छाक सोनाथ छकाए रहो। प्यारे ऐसी कृपा करो, इन आंखों से हमेशा आपकी सावरी सलोनी सूरत देखता रहूं, अपनी छवि का दर्शन करा के हमारे हृदय को आप तृप्त करते रहो, यही प्रार्थना है आपके चरणों में। नित बाकी झांकी निहारा करूं, छवि छाक सोनाथ छकाए रहो, अहो बांके बिहारी यही बिनती, मेरे नैना से नैना मिलाए रहो,